ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬಾಂಧನಿ ಪೂರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾನ್ ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾಗೇಶ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಚಿವನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರವಾಗಿ ಹೆದರುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರವಾದಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಗೆ ಬರೀ ನಾನಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ತಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್

जो इस साल जबान अव्वल उर्दू का इम्तिहान लिखने जा रहे हैं जिनकी पहली इख्तियारी जबान उर्दू है अजीज बच्चों आपका सालाना इम्तिहान इकतीस मार्च से शुरू होने जा रहा है और पहला पर्चा ही जबान अव्वल उर्दू का होगा मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने इस इम्तिहान के लिए पूरी तैयारी कर ली होगी आज मैं आपके सामने दसवीं जमात उर्दू जबान अव्वल के पर्चे का तजिया करने जा रहा हूँ जिसमें सवाल की नौीय क्या होगी किस तरह के सवालत पूछे जाएंगे कितने सवाल पूछे जाएंगे वगैरह तफसी से बताऊंगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इससे मुस्तफ़ होंगे बग़ौर समात फरमाएं, अज़ीज़ बच्चों इस साल आपकी निसाबी किताब नौ नौबहार अदब बरए दसवीं जमात उर्दू ज़बान अवल के तमाम इसबाक से सवाल पूछे जाएंगे जिस में नसर से आठ इस और हिस्स नजम से ग्यारह इसबाकई यानी कुल उन्नीस इसबाकई और इसके साथ साथ और इंशा से सवाल पूछे जाएंगे अज़ीज़ बच्चों अब मैं सवालिया पर्चे का तजिया करने जा रहा हूँ ग़ौर से समात फरमाएं, बेहतर होगा कि कापी और पेन भी साथ रखें ताकि अहम नुकात जो हैं दर्ज कर सकें उर्दू ज़बान अवल का पर्चा कुल सौ नशानात के लिए होगा जिसके लिए पैंतालीस सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से हिस्से नसर से चौंतीस मार्च के सवाल पूछे जाएंगे हिस्स नज़म से तैतीस मार्च के सवालत पूछे जाएंगे और फवाद इंशा से तैतीस मार्च के सवाल पूछे जाएंगे यानी कुल सौ मार्च के लिए पैंतालीस सवाल पूछे जाएंगे पर्चे में सबसे पहले हिदायत दी जाएंगी आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें इसके बाद पंद्रह मिनट आपके पर्चा पढ़ने के लिए मख्स किए गए हैं इस दौरान एक मरतबा आप सुकून और इतमान के साथ पर्चे को अच्छी तरह से पढ़ लें प्यारे बच्चों किसी तरह का डर या खौफ अपने दिल में ना लाएँ क्योंकि पर्चा बहुत आसान होगा पहला ही पर्चा है आसानी साथ के साथ इतमान के साथ पढ़कर लिखना शुरू करें बेल होगी लिखने के लिए उसके बाद आप लिखना शुरू करें पर्चे में सबसे पहले एक मार्च के लिए छः मारूजी सवाल पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये छः सवाल सिर्फ और सिर्फ ख़वाद से होंगे फवाद और इंशा से जिनमें से तीन सवाल जुमलों के मतलब यानि ख़वाइद में पूछे जाएंगे जिसमें जुमला किसे कहते हैं जुमलों के अकसाम सूरत के एतबार से जुमले की दो किस्में मुफरद और मुरकब जुमला मानी के एतबार से जुमलों की दो किस्में खबरिया और इन्शा जुमला फिर इसमिया जुमला फेलिया जुमला जुमले के हिस्से मुबतदा किसे कहते हैं खबर किसे कहते हैं मुसनद, फेल नाकस वगैरह की पहचान के सवाल पूछे जा सकते हैं मरकब जुमलों के अकसाम मरकब मुलतफ़ वसली जुमला तर्दीदी जुमला की जुमला ये जो जुमलों के फवायद हैं इनसे तीन सवाल होंगे इसके साथ साथ ये हो सकता है कि एक सवाल असनाफ नसर से यानी अफसाने के तल्क़ से सवानी के आ, मजमून के मुतक भी हो सकता है इसके बाद इसे नज़म से तीन सवाल पूछे जाएंगे जिसमें जो आपको पाँच सनतें दी गई हैं तलमी तजाद तकरार तशबी इसतारा इसके साथ साथ असनाफ़ सुखन गज़ल मरसिया रुबाई नज़म वग़ैरह से मुतक़ भी सवालात पूछे जा सकते हैं यहाँ पर आपको हर सवाल के नीचे चार मुतबाद जवाब दिए जाएंगे ए बी सी डी के साथ जिनमें से सही जवाब का इंतख्य करके आपको जवाबी पर्चे में लिखना होगा इस बात का खास ख्याल रखें कि जिस सवाल का जवाब आप लिख रहे हैं उसी सवाल का नंबर हो और उसके सामने वही जवाब लिखें अगर जवाब ये का है तो ये लिखकर उसका जवाब लिखें बी का है तो बी लिखकर, सी का है तो सी लिखकर और डी का है तो डी लिखकर जवाब पूरी तरह से लिखें चंद बच्चे जो है यहाँ पर दो दो जवाब लिख देते हैं ऐसी गलती मत करें ये एक लिख कर उसे मिटा कर या रफ़ करके फिर दूसरा आंसर लिखते हैं ये गलत है आपको सोच समझ कर तसली से सही जवाब लिखें अगर गलत हो गया तो कोई मुजायख़ा नहीं स्ट्राइक ऑफ कीजिए दूसरे फिर दोबारा वो नंबर सवाल का लिख कर उसका जवाब आप लिख दीजिए तो इसके बाद इन छः मारूजी सवालों के बाद जो है चार सवाल मुनासिबत के होंगे सिर्फ़ और सिर्फ कवायद से ही होंगे ये एक मार्च के चार सवाल होंगे यहाँ पर जो है पहले दो लफ्ज़ों के दरमियान जिस तरह का ताल्लुक़ है या मुनासिबत है वो देख कर तीसरे लफ्ज़ का मुनासिब जोड़ आपको लिखना है प्यारे बच्चों याद रखिए ये जो दो लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़ होता है या तो वो एक दूसरे की ज़िद होते हैं या मुजक्कर मुन्नस होते हैं या वाहिद जमा होते हैं या मानी होते हैं या जू मानी होते हैं यहाँ पर महावीरों के मानी या शायर या शायरा का नाम वगैरह मुसन्फ़ या मुशनफ़ा का नाम पूछा जा सकता है इसके साथ साथ जो है मुहावरे मुक्बा के मानी भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं हाँ ये चारों सवाल जो हैं पहले दो लफ्ज़ों के दरमियान आपको ताल्लुक़ देख कर तीसरे लफ्ज़ का सही जोड़ लिखना है ये तमाम ख़वाइद ही से पूछे जाएंगे इसके बाद जुमले में एक जुमले में जवाब लिखने के लिए सात सवाल होंगे एक एक मार्स के इसका जवाब आपको एक जुमले में लिखना है यहाँ पर चंद बच्चे जो हैं सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब लिख देते हैं ये सही नहीं है आपको पूरा जुमला लिखना पड़ेगा क्योंकि एक जुमले में लिखने के लिए ये सवाल दिए जाते हैं इन सवालत में से चार सवाल जो है वो हिस्से नसर से पूछे जाएंगे यानी अजबाक से हजरतलिदा है जवाहर लाल नेहरू की उर्दू दोस्ती है बदायूँ की शाम शहर है कौल फैसल है ये जो हैं अमीर खसरू तक इन तमाम अजबाक से ये चार सवाल पूछे जाएंगे इसके बाद एक जुमले में जवाब लिखने के लिए सात सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से चार सवाल हिस्से नसर से और तीन सवाल हिस्से नजम से होंगे यहाँ पर फ़वाद का कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा हिस्से नसर से आठों असबाक के एक एक जुमले के तमाम सवाल के जवाब आपको अच्छी तरह से याद रखना है इन्हीं में से आपको चार सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं याद रखिए यहाँ पर एक सवाल गैर मश्की पूछा जा सकता है यानी मशकी और गैर मश् किसे कहते हैं पता है आपको हर सबक के ख़त्म होने के बाद अल्फाज के मानी मरकबात के मानी उसके बाद चंद सवाल दिए जाते हैं जिसकी आपको नोट्स लिखाई जाती है जिसके आपको जवाब लिखे जाते हैं ये जो सवालत हैं मश्की हैं गैर गैरमशी सवाल किसे कहते हैं सबक के अंदर से ढूंढ कर कोई एक सवाल नए से बना कर दिया जाता है जिसे गैर मशी सवाल कहते हैं इसके लिए आपको सारा सबक अच्छी तरह से समझ कर पढ़ना होता है अब मिसाल के तौर पर हजतुलविदा में लीजिए जहाँ तक नज़र जाती थी आदमियों का जंगल नज़र आता था ये जुमला किसने कहा यह तो वहाँ पूछ कर नहीं है ग़ैर मश्क़ी है ये आप लिख सकते हैं हजरत जाबिर रजी अल्लाह रजियाल्ला तीन तो ऐसा भी पूछ सकते हैं मजमा को हजरतलविदा के मजमा को देख कर हज़रत जाबिर रजी अल्लाह तह ने क्या कहा कि ये जो सवाल है ये गैर मशी ऐसे सवाल जो है सबक के दरमियान से कोई एक सवाल होगा घबराने की ज़रूरत नहीं जो मश्क में दिए गए हैं उन तमाम सवालत को अच्छी तरह से पढ़ लें उसके साथ साथ तमाम अजबाक भी समझ कर अच्छी तरह से पढ़ लें आसानी से आप तमाम सवालों के जवाब दे सकेंगे इससे नसर से हमद है ऩत है आमद बहार है रिश्वत है जुगनू है मरसिया है सरहदों का जाल है मच्छर का अल्टीमेटम है और रबायात हैं इन से तीन सवालत पूछे जाएंगे लेकिन गजल से यहाँ पर कोई सवाल नहीं होगा गज़ल के सवालत पढ़ने की यहाँ पर एक एक जुमले के हों या दो जुमले के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि इन तमाम नजमों से एक एक जुमले के तमाम सवाल अच्छी तरह से पढ़ लेना है ताकि आप तमाम सवालों के जवाब लिख सकें इसके बाद दो मार्च के कुल दस सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से हिस्से नसर से पांच सवालात होंगे और हिस्से नज़म से पांच सवालात होंगे हिस्से नसर में हजतलविदा है बदायूं के शामो शहर है जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती खौल फैसल दृष्टि सवेरे जो कल आंख मेरी खुली ज़ाफ़रान और तो हिंद अमीर खसरू से कुल पाँच सवालत दो या तीन जुमलों में लिखने के लिए आपको पूछे जाएंगे इसलिए इन आठों असबाक के दो या तीन जुमलों के जवाब अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लें हिस्से नजम से कुल पाँच सवालत पूछे जाएंगे ये सवाल हमद नात आमद बहार रिश्वत जुगनू मरसिया सरहदों का जाल और गज़लिया और रुबाइया से पूछे जाएंगे याद रखिए रुबाइया से एक ज़रूर सवाल होगा उसके बाद जो है जितनी भी नज़में हैं इनसे एक एक सवाल यानी कुल पांच सवाल पूछे जाएंगे। गजलिया से यहाँ पर कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा क्योंकि गजलिया से सिर्फ़ अशार की तशरी ही पूछी जाती है उसके एक या दो जुमलों के जवाब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर वक्त सर्फ़ ना करें आपको सिर्फ अब दिन बाकी हैं सोच समझ कर मैं जिस तरह के सवाल जो जो सवाल बता रहा हूँ वो तमाम अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आप आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकें इसके वास्ते जो है आप तमाम असबाक के दो या तीन जुमलों के जवाब अच्छी तरह से पढ़ लें और नज़मों के तमाम एक या दो जुमलों के सवालों के जवाब अच्छी तरह से पढ़ कर याद कर लें यहाँ पर भी एक या दो सवालात जो है गैर मुश्किल सवाल पूछे जा सकते हैं इसलिए इसबाक भी अच्छी तरह से पढ़ लें कोई एक या दो हो सकते हैं इसलिए आप एक से दो मरतबा समझ कर सबक पढ़ लें तो बेहतर होगा इसके बाद तीन मार्च के कुल ग्यारह सवालत होंगे जिनमें से हिस्से नसर से चार सवाल होंगे हिस्से नज़म से चार सवाल होंगे और फवाद और इंसा से तीन सवालत पूछे जाएंगे इसे नसर से तीन सवाल दर्ज जुमलों की बहावाल मतन वजाहत कीजिए पूछे जाएंगे यानि अजबाक के दरमिया जुमले जो आपको बहावाल मतन वजाहत करने के लिए मशक़ी तौर पर दिए गए हैं उन तमाम को आप अच्छी तरह से पढ़ लें ये जो जुमले हैं हजरतलविदा हैं बदायूँ के शाम सहर जवाहर लाल नेहरू की उर्दू दोस्ती खैलो खैसल दृष्टि सवेरे जो कल आँख मेरी खुली और अमीर खुसरू के इसबाक से पूछे जाएंगे। इसलिए इन असवा के तमाम जुमलों की वजाहत जो है अच्छी तरह से पढ़ लें और इसबाक को भी अच्छी तरह से पढ़ लें क्योंकि इन तीन सवालत में से एक जुमला जो है गैर मशी होगा जो सबक के मतन से एक जुमला निकाल कर आपको पूछा जा सकता है याद रखिए ये जो तीन जुमलों की वजाहत करते हैं आपको यहाँ पर ये जुमला किस सबक से लिया गया है इसके मुसन्फ़ कौन है लिखना ज़रूरी है उसके बाद किसने किससे कब और क्यों कहा लिखना बेहद ज़रूरी है सबक का नाम और मुसन्फ़ का नाम लिखेंगे तो आपको एक निशाना एक नंबर मिल जाएगा और किसने किससे कब और क्यों कहा लिखने पर आपको दो मास मिल जाएंगे यानी कुल तीन मास मिलने के लिए आपको सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम लिखना जरूरी है अब इसके बाद जो है एक नसर निगार का तारु पूछा जाएगा जिसके लिए आपको अजबाक से सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ़ पढ़ना होगा अच्छी तरह से अदा जाफरी हैं मोहम्मद रफ़ी अंसारी हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं और पितरस बुखारी हैं इन पांच मुसनफिन का है अच्छी तरह से याद कर लें यहाँ पर जो है आपको मुसन्फ़ का असल नाम लिखना पड़ता है उनका खलमी नाम लिखना पड़ता है मुसनफ़ की तारीख़ पैदाइश और मुकाम पैदाइश लिखना पड़ता है उनकी इब्तदाई तलीम और पेशा और उनकी खसूसियात क्या हैं उसको लिखना पड़ता है उनके तसानीफ तो उन तसानीफ के नाम लिखना पड़ता है उनकी लिखी हुई किताबों के नाम और आखिर में उनकी तारीख़ वफात लिखना होता है इतना लिखने पर आपको तीन मुकम्मल नशाना मिल जाएंगे आप जो है इन पाँचों मुसनफिन का तारुफ जो है अच्छी तरह से याद रख लें इसी तरह हिस्से नज़म से एक शायर का या शायरा का तारु पूछा जाएगा इसके लिए आपको डॉक्टर सौरा आलम माहिर जोश मल्ली आबादी फिराक गोरखपुरी और मीर अनीस वग़ैरह का तारुफ अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लेना होगा यहाँ पर भी आपको जो है शायर का असल नाम और तख्लस लिखना है तारीख और मुकाम पैदाइश लिखना है उनके कलाम की खसूसियत लिखना है उनकी तसानी यानी लिखी हुई किताबों के नाम लिखना है आखिर में उनकी तारीख़ वफात लिखनी है इन तमाम शोरा का तारफ़ आप अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लें इन में से कोई एक शायर या शायरा का तारफ़ पूछा जाएगा यानी तारुफ जो है एक नसर निगार का होगा और एक शायरा का होगा इसके साथ हिस्से नजम से गजलिया से तीन अशार की तशरी के लिए पूछे जाएंगे सवाल ये तीन अशार जो हैं सिर्फ़ गजलियात से लिए जाएंगे ये जो गज़लियात थी हिस्से अलिफ़ में तीन गज़लियात थी पहली गज़ल जो है हसन शोकी की है दूसरी गज़ल जो है मिर्जा गालिब की है तीसरी असगर गाउंडी की है ये हिस्सा अलिफ़ से तीन गज़लों से कोई एक शेर आपको पूछा जाएगा और हिस्से बे की जो चार गज़लें हैं इकबाल है मिजाज है हमीद अलमास हैं खलील मामून हैं इन चार शरा की गज़लों से दो अशार आपको पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों याद रखिए ये जो अशार हैं आपको तशरीह करने के लिए जो मश्क में दी गई हैं उन मश्की सवालों में से दो सवाल आपको दो अशार आपको पूछे जाएंगे ये एक शेर जो है किसी एक गज़ल का चाहे वो हिस्से बे का हो या अलिफ का दरमियान से एक शेर आपको पूछा जा सकता है जिसकी तशरी करना है इसके लिए आपको आपके जो उर्दू मौलम हैं उर्दू उस हैं स्कूल में उन्होंने शेर की तशरी किस तरह करना है आपको अच्छी तरह से समझाया होगा उसी तरह से आपको ये शेर किसका है गज, किसकी गज़ल से है शायर का नाम लिखना है फिर उस शेर में अगर किसी तरह की कोई सनत का इस्तेमाल किया गया है सनत तलमी है या तशबी है या इस्तारा है या तकरार है या सनत तजाद का इस्तेमाल किया गया है तो उसका भी जिक्र करते हुए शायर अपने ख़यालात का किस तरह से इजहार कर रहा है वह अपने अल्फ़ाज़ में आपको बयान करना पड़ता है इसलिए आपको बेहतर है कि इन सातों गज़लों के तमाम अशार की तशरी करना सीख लें क्योंकि ये एक जो शेर है वो गैर मश्की होगा बाकी के दो अशार मैंने पहले ही बता दिया है हिस्से अलिफ़ से सिर्फ एक शेर लिया जाएगा हिस्से बे से चार गज़लों से दो अशार लिए जाएंगे आप इसे अच्छी तरह से अशार की तशरी करना सीख लें इसके बाद ख़वाइद से तीन सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से एक सवाल जो है जुमलों के मुतल होगा यानी मुफरद जुमला किसे कहते हैं मिसाल के साथ लिखिए या मुरक्ब जुमला किसे कहते हैं मिसाल के साथ लिखिए या मरक्ब और मुफरद जुमले में फ़र्क वाजे कीजिए मिसालों के साथ ये भी हो सकता है या ख़बरिया जुमला किसे कहते हैं इन्शाया जुमला किसे कहते हैं जुमले इसमिया किसे कहते हैं जुमले फेलिया किसे कहते हैं वसली जुमला इस्तदरा की जुमला तरदीदी जुमला सबबी जुमला यानी जो जुमलों के ताल्लुक से कवायद हैं उनमें से एक सवाल ज़रूर होगा जो तीन मार्च के लिए पूछा जाएगा जिसके लिए आपको पहले उसकी तारीफ लिखनी होगी मिसाल के तौर पर वो जुमला जिस जो किसी वाकिया या कैफियत या सूरत हाल की खबर दे खबर या जुमला कहलाता है मिसाल के तौर पर नाजिया गेंद खेल रही इस तरह से आपको तारीफ लिखनी है और मिसाल के तौर पर यह एक जुमला आपको लिखना ज़रूरी है वो जुमला जिसमें मुस्ंद और मुस्ंद दोनों इसम हो इसम जुमला कहलाता है मिसाल अम्मा घर की मुलाजिमा थी इस तरह से अगर लिख डालें जो तारीफ लिखते हैं उसके लिए आपको दो मार्क्स मिलेंगे मिसाल के लिए एक मार्च यानी तीन मार्च पूरे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दूसरा खवाइ से सवाल जो है सनतों के ताल्लुक से होगा आपकी किताब में जो है आपके लिए पांच सनतें दी गई हैं सनत तजबी है सनत इसतारा है, है तलमी है तजाद है और तकरार है इन से कोई एक सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर दो सवालात पूछे जाएंगे आपको किसी एक सनद की तारीफ लिखना है या में होगा सवाल मिसाल के तौर पर तस्बी किसे, किसे कहते हैं मिसाल के साथ लिखिए या सनते तलबी किसे कहते हैं मिसाल के साथ लिखिए या तो आप तस्बी के ताल्लुक से लिखिए या तलमीह के यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको किसी एक सवाल को आपको यहाँ पर लिखना होता है यहाँ पर भी पहले आप तारीफ लिखेंगे उसके बाद मिसाल के तौर पर एक शेर लिखेंगे मिसाल के तौर पर तलमी किसे कहते हैं शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो किसी मज़बी रिवायत या वाक़े की तरफ़ इशारा करते हों सनत तलमीह कहलाता है मसलन इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई या जरा सा तो दिल हूँ मगर शूख इतना वही लन तरानी सुना चाहता हूँ इस तरह से कोई एक शेर आप जो है मिसाल के तौर पर लिखना होगा इसके बाद तीसरा एक सवाल ख़वाइ से आपको तीन अल्फाज दिए जाएंगे जिन्हें आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है हो सकता है कि वो तीन अल्फाज हों या मरकबात हों या मुहावरे हों याद रखिए यहाँ पर जो लफ्ज़ आपको पूछा जाता है उसी को आपको जुमलों में इस्तेमाल करना पड़ता है ये तीनों अल्फाज को अगर एक जुमले में इस्तेमाल करके लिखेंगे एक एक जुमले में तो आपको तीन मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे हो सकता है यहाँ पर खवाफी की जोड़ियाँ बनाइए भी दे सकते हैं सविखे और लाइखे बनाइए भी दिए जा सकते हैं या मिसाल और जो मुहावरे हैं इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए भी दिखा सकते हैं इनका मतलब लिखिए वो भी पूछ सकते हैं या एक लफ्ज़ में इनके जवाब एक लफ्ज़ में लिखिए मिसाल के तौर पर महारत रखने वाला डैश क्या है माहिर हिदायत देने वाला हादी इस तरह से एक एक लफ्ज़ में लिखने के जो सवालत हैं वो भी आपको दिए जाएंगे इसलिए किताब में जो कुछ भी आपको दिया गया है फ़वाद के तौर पर हर खबाद को अच्छी तरह से पढ़ लें पता नहीं कहाँ से क्या पूछेंगे इसलिए यहाँ पर जो ये तीन मार्स का जो सवाल है कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरह से अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल करना मरकबात को जुमलों में इस्तेमाल करना या मुहाविरों को जुमलों में इस्तेमाल करना या खवाफी की जोड़ियाँ बनाना सबक लाइक बनाना ये अच्छी तरह से पढ़ लें एक लफ्ज में जवाब लिखना ये भी अच्छी तरह से पढ़ लें अब इसके बाद प्यारे बच्चों चार मार्च के कुल पांच सवाल होंगे बीस मार्च के लिए इसमें से दो सवालत हिस्से नज़र से होंगे और दो सवाल हिस्से नज़म से होंगे एक इबारत दी जाएगी चार मार्च के लिए जिसके नीचे दो सवालत होंगे उसके जवाब उसी इबारत से लिखने होंगे प्यारे बच्चों हिस्से नसर से जो दो सवाल हैं वो तफसीली जवाब जो हैं हजरतलिदा बधाई की शामो शहर जवाहर लाल नेहरू की उर्दू दोस्ती है खौले फैसल है जाफरान है अमीर खुसरू है दृष्टि है सवेरे जो कल आंख मेरी खुली ये तमाम अजबा के जो तफसी जवाब हैं आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा खसूस जो है हजरतलविदा जवाहर लाल नेहरू की उर्दू दोस्ती कौले फैसल और अमीर खुसरू ये चार के तो आप हर तरह से पूरी तरह से जो है इसके तफसली जवाब अच्छी तरह से याद करने होंगे इन्हीं में से दो सवालात आपको पूछे जाएंगे एक सवाल जो है मुनफरिद होगा उसका जवाब आप लिखना होगा दूसरा जो चार मार्च के लिए तफसली जवाब पूछा जाएगा दूसरा जो तफसली जवाब आपको पूछा जाएगा वो या में होगा यानी दो इसबाक से दो सवालत दिए जाएंगे यहाँ पर दो ऑप्शन रहेंगे आपको किसी एक सवाल का जवाब यहाँ पर लिखना होगा यानी इसबाक से पहले एक सवाल पूछा जाएगा उसके बाद फिर दो सवालत एक ही सवाल में पूछे जाएंगे वो उनमें से किसी एक का जवाब आपको लिखना है इसलिए आप मैंने जो चार असाक बताए हैं उसके तफसीलीबात अच्छी तरह से पढ़ लेंगे उन चार चाराक के हजतल उर्दू दोस्ती जवाहर लाल नेहरू की खौल फैसल और अमीर खसरू इन में से ये दो जवाब तो ज़रूर होंगे इसके बाद जो है दो सवाल हिस्से नज़म से होंगे एक हमद के चार अशार अपनी यादाश से लिखिए या नात के चार अशार अपनी याददाश्त से लिखिए या मरसिया के चा आखिरी दो बंद अपनी याददाश्त से लिखिए यहाँ पर तीन नज़में जो हैं आपको याद दहानी के लिए दी गई हैं हमद नात और मरसिया इन में से दो ऑप्शन रहेंगे आपको किसी एक को जो है अच्छी तरह से लिखना है अगर हम लिख रहे हैं चार अशार लिखना है तो याद रखिए एक शेर दो मिसरे का होता है यानी आपको चार अशार के से मुराद आठ मिसरे लिखने हैं आठ लाइन लिखनी है चंद बच्चे सिर्फ़ दो आशार यानी चार लाइन लिख के आ जाते हैं वहाँ पर आपको पूरे मार्क्स नहीं लिखेंगे क्योंकि आप दो आशार लिखें दो ही मिलेंगे इसलिए आपको पूरी तरह से चार अशार यानी आठ मिसरे लिखने होंगे नात के भी चार अशार यानी आठ मिसरे लिखने होंगे लेकिन अगर मरसिया लिख रहे हैं तो वहाँ पर जो है आखिरी दो बंद आपको याद करना है बचपन में जो जबाँ से कहा है करेंगे हम वहाँ से लेकर साबिर रहो के सब्र खुदा को पसंद है वहाँ तक यानी एक बंद जो है वो छः मिसरों का है आपको दो बंद लिखने हैं यानी बारह मिसरे लिखने पड़ेंगे आपको जो याद है वो लिखें दो ऑप्शन दिए जाएंगे हमद या नात या हमद या मरसिया सराज या नात या मरसिया आप किसी दो नज़मों को अच्छी तरह से बयाट कर लेंगे तो आप आसानी से इसको लिख सकेंगे इसके साथ साथ जो है खुलासा लिखने के लिए पूछा जाएगा यहाँ पर भी आपको दो नज़में दी जाएंगी खुलासा लिखने के लिए आपको चार नज़में यहाँ पर हैं एक है आमद बहार रिश्वत जुगनू और सरहदों का जाल इन चारों नज़मों के जो है खुलासे आपको अच्छी तरह से याद कर लेने होंगे क्योंकि इन्हीं में से कोई दो नज़में जो है आपको खुलासा लिखने के लिए दिया जाएगा कम से कम आप तीन नज़्मों के तो खुलासे अच्छी तरह से याद कर लें ताकि इनमें से कोई दो पूछे तो ये एक तो लिख सकेंगे अगर आप दो पर इक्तफा करेंगे तो दो भी वो नहीं आए बाकी के दो जो चार नज़में हैं उसमें से बाकी के दो पूछे तो बड़ी तकलीफ़ होगी इसलिए कम से कम तीन नज्मों का खुलासा अच्छी तरह से याद रख लें इसके बाद आपको जो है ये एक इबारत दी जाएगी जो आपने पहली कभी नहीं देखी होगी जो आपकी निसाबी किताब से ना होगी यानि नादिदा इबारत दी जाएगी एक या दो पैराग्राफ में आपको उस इबारत को अच्छी तरह से पढ़ना है आपको यहाँ पर वही देखा जाता है कि आप पढ़ कर किस तरह से कितना समझ सकते हैं इस इबारत के नीचे दो सवाल दिए जाएंगे उन दो सवालत को आप अच्छी तरह से पढ़ लें उसके बाद इबारत को एक से दो मरतबा पढ़ें उन्हीं में वो जवाब मौजूद हैं उसी इबारत में कोई एक लफ्ज़ ऐसा होता है सवाल में जो उस इबारत में मौजूद होगा उस लफ्ज़ के आस पास या आगे पीछे के जो जुमले होंगे उसके वही जवाब होंगे ज़रा गौर वफिक्र से सोच समझ कर इन दोनों सवालों के जवाब आप लिख देंगे क्योंकि जो आप वहीं पर इबारत में होंगे आसानी से आपको चार मार्क्स मिल जाएंगे अब इसके बाद दो सवाल जो है पाँच मार्स के लिए होंगे एक सवाल खत्मी के लिए और दूसरा सवाल मजमून नवेसी के लिए खत के लिए आपको दो सवाल पूछे जाएंगे एक सवाल निजी खत से होगा एक सवाल दफ्तरी खत से होगा निजी खत और दफ्तरी खत में ज्यादा फर्क नहीं है बताऊंगा आपको खत अगर खत के जितने भी आठ अज्जा हैं उसके तहत आप लिखेंगे तो पूरे पांच मार्क्स आपको मिल जाएंगे यानी खत में सबसे पहले नवीस यानी खत लिखने वाले का नाम और पता लिखना है उसके फ़ौर बाद दूसरा तारीख लिखनी है उसके बाद जो है मकतूब हिलई के लिए यानी जिसे ख़ लिख रहे हैं उसके लिए अलखाब लिखता है यानी मोहतरम वाली साहब किबिला आदाब मेरे प्यारे दोस्त असलमकुम या मेरी प्यारी सहेली तस्लिमत इस तरह से अलखाब आपको लिखने पड़ते हैं उसके बाद तमहीदी कलिमात लिखने पड़ते हैं उसके बाद नफ़ से मज़मून लिखना पड़ता है ये अहम हिस्सा होता है ख़त का यहाँ पर आप जिस मौजू पर ख़त लिख रहे हैं उस मौजू के मुतल मुकम्मल मालूम तफसील से आपको लिखने हैं उसके बाद जो छठा हिस्सा है वो अख्तामी कलिमात का है उसके बाद आप आखिर में दस्तखत करेंगे उसके बाद जो है को तो पता लिखना है जिसके लिए आप खत लिख रहे हैं मकतूब इले का नाम और पता लिखना है ये निजी खत के लिए दफ्तरी ख़त में थोड़ी तब्दीली है यहाँ पर भी आप मकतूब नबी का यानी ख़त लिखने वाले का नाम और पता लिखते हैं उसके बाद तारीख लिखते हैं उसके बाद जो है डायरेक्ट यहाँ पर अलखाब लिखते हैं जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसका नाम और पता यहीं पर लिख देते हैं उसके फ़ौर बाद जो है आपको मौजू लिखना ज़रूरी है किस मौजू पर आप दफ्तरी ख़त लिख रहे हैं मिसाल के तौर पर मौजू दो दिन की छुट्टी के लिए दरखास्त या सनत तबादला के लिए दरखास्त इस तरह से आपको मौजू लिखना बेहद जरूरी है यहाँ पर जो है कई बच्चे जो है मौजू की जगह उन्वान लिख देते हैं या मौजू लिखते ही नहीं है तो अब जो है पूरी तरह से नौत पर पाँच मार्च आए होते हैं खत में वहां पर जो है आपको एक मार्च कट करना पड़ता है नए नौ मार्क्स मिल जाएंगे इसलिए खत जो लिखते हैं पूरे उसके आठ अज्जा जो हैं पूरी तरह से लिखें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें आखिर में आपको जो है उसके बाद मौजू लिखने के बाद जो है आपको नफ़ मजमून लिखना है यानि जिस मौजू पर आपने ख़त लिखना है उसके ताल्लुक़ से छुट्टी हो तो छुट्टी के तलु से या आर टी सी की दरख्वास के तल्लु से आपको तफसील से लिखना है उसके बाद जो है अख्तामी कलिमात लिखना है उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी दरख्वास को कबूल फरमा कर दो दिन की छुट्टी इनायत फरमाएँगे या उम्मीद रखता हूँ कि मैं आप मेरी सनत तबादिला इनायत फरमाएंगे आखिर में जो है सातवां हिस्सा फख्त आपका फरमा बरदार शागिर्द या शागिर्दा दस्तखत करना बेहद ज़रूरी है ये तमाम हिस्से अगर खत के होंगे तो आपको मुकम्मल पाँच मार्क्स मिल जाएंगे दो सवाल पूछे जाएंगे या तो आपको दफ्तरी ख़त लिखना है या तो निजी खत लिखना है इन दो में से किसी एक खत को आपको लिखना है इसी तरह एक सवाल जो है मजमून नवेसी का होगा ये मजामिन प्यारे बच्चों हालात हाजिरा पर होंगे प्यारे बच्चों याद रखिए जो भी मज़मून दिया जाता है वो मजमून का जो मरक़ है इंसान होता है इंसान को या तो उससे फ़ायदा होता है या नुकसान होते हैं अगर कुछ फ़ायदा होता है तो वो भी लिखना है आपको अगर कुछ नुकसान होते हैं तो वो भी लिखना है अगर नुकसान होते हैं तो उससे बचने के तदाबीर भी आपको लिखना है ये जो मजामी हैं या तो समाजी मसाइल पर होंगे गुरबत पर गरीबी पर या महंगाई पर या कौमी यकजहती पर या तलीम की अहमियत पर या साइंस और टेक्नोलॉजी के इंटरनेट या मोबाइल पर भी हो सकता है या पचहत्तरवाँ जो योम आज़ादी मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव उसके ताल्लुक़ से हो सकता है आपको एक तीन चार मजामी जो हैं अच्छी तरह से पढ़ कर मजमून नवैसी किस तरह से लिखते हैं वो आपको अच्छी तरह से देख लेना है तमहिद में क्या लिखना है आपको नफ़े मज़मून में क्या लिखना है या ख़ातमे में क्या लिखना है या अच्छी तरह से अगर ये तीन हिस्से आप अच्छी तरह से लिखें तो कुल पाँच मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर आपको कम से कम एक सफ़ा लिखना है तमहीद लिखना है तो सबसे पहले मौजू के के अतबार से उस मौजों के मानी और मफहम को समझाने के लिए आप कोई एक शेर या कोई फ़िकरा या कोई हदीस का इस्तेमाल कर सकते हैं ये तीन या चार जुमलों में एक छोटे से पैराग्राफ में आपको तमहहीदन इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है उसके बाद जो, का दूसरा जो हिस्सा है वो नफ्स मजमून का है ये अहम हिस्सा होता है जिस जिसवान पर आप मजमून लिख रहे हैं उस उसवान पर तफसीलीबाद आपको यहाँ पर दो या तीन पैराग्राफ बना कर आपको लिखना है यहाँ पर जो है मजमून के तल्ल से उसके खूबियाँ और ख़ामियों को लिखना है और ख़ामियों को उसका तदारक जो है वो लिखना है या अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखना है बुराइयों को बचने से तदाबीर लिखना है या मौजु के तल्ल से आपको तफसीली जो है जवाब यहाँ पर लिखने होते हैं इसलिए नफ़े मजमून को मजमून की रेट की हड्डी कहा जाता है आखिरी हिस्सा जो मजमून का होता है वो तमी ख़ातिमे का होता है ख़ातिमे में आपको अपनी राय पेश करनी होती है आपका जायज़ा पेश करना होता है आपके ख़्याल वहाँ पर ख़त्म होते हैं इस तरह से अगर तीन हिस्सों में मज़मून पूरी तरह से कम से कम एक सफह हो तो मुकम्मल आपको पाँच मार्क्स मिल जाएंगे प्यारे बच्चों अब तक आपने सवालिया पर का पूरा तजिया सुना है आपको यहाँ पर यह बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि आप कभी भी जो है मजमून नवेसी ना छोड़ें क्योंकि यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे खतूत नवेसी खत लिखना ना छोड़ें यहाँ पर भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं मारूजी सवाल हर सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करें उसके साथ साथ मुनासिबत के सवालत लिखने की कोशिश करें चंद बच्चे अशार की तशरी नहीं लिखते ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि अशार की तशरी में जो जुमले लिखे जाते हैं वो इंशाइया हैं आप अपनी तरफ से अपनी समझ से जो जुमले लिखेंगे उसे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे किसी भी हाल से अशार की तशरी करना ना छोड़ें और उसके साथ साथ जो है इबारत के जो सवालत हैं दो सवाल उसी में से जवाब होते हैं वो जवाब आपको तलाश करके हर हाल में उसके दोनों जवाब लिखने हैं क्योंकि वहाँ पर आपको चार मार्क्स मिल जाएंगे ये आप जहन नशी रख लें इन सवालों को अच्छी तरह से याद रख लें और पढ़ लें शौरा का तारुफ अच्छी तरह से याद रख लें इन आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर लेंगे मैं समझता हूँ क्या आपको जो सवाल या पर्चा है उसके ताल्लुक़ से पूरी तरह से जो डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा होगा अगर किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए नाइन फोर एट डबल टू ज़ीरोट नाइन टू जीरो जीरो वन फ़ोन नंबर दोबारा लिख लीजिए नाइन फोर एट डबल टू ज़ीरो एट नाइन टू वन आप मुझे रात नौ बजे से लेकर दस बजे के दरमियान आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर ले सकते हैं पहले बच्चों मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप तमाम ज्यादा से ज्यादा आउट ऑफ आउट, आउट मार्क्स लेकर तमाम के तमाम कामयाब हो जाएं खुदा हाफिज़ एस एस एल सीधा तिर ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಮವಾರ ಕನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾನ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ